cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आज आपको बिहार की वो सबसे खास जगह दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इन दिनों पॉपुलर हुआ है, ठीक है। तो थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो ये देख सकते हो किस तरीके से पटना में जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो गाइज, हरमंदर साहब से सबसे पहले हम लोग निकल करके आ गए हैं मौर्या लोक पटना में। यहाँ पे खाएंगे हम लोग लिट्टी, थोड़ा सा पेट पूजा भी कर ले, उसके बाद आगे का सफ़र आपको चलकर दिखाएंगे। तो ये लिट्टी जो है अमान का फेवरेट है, अमान इसे बहुत अच्छे से खाता है। मतलब यूँ तो बाहर की चीज़ें वो नहीं खाता है, लेकिन मेरे लिए तो भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये देख सकते हो 30 रुपये का 2 लिट्टी, ठीक है, बहुत ही फेमस है यहाँ पर का। और छोले भटूरे तो मैं खाऊँगा ही खाऊँगा, लेकिन अमान नहीं खाएगा क्योंकि उसे बाहर की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो इन चीज़ों को छोड़ने वाला नहीं भाई। तो चलो पेट पूजा करके यहाँ से निकलते हैं फटाफट। तो देख सकते हो किस तरीके से छोले भटूरे भी डिलीशियस लग रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे आना तो ज़रूर खाना आप, ठीक है ना। एग्जैक्टली मौर्या लोक के पास में है ये ठेला, जो मैंने आपको नाम भी दिखा दिया, देख सकते हो आप। ये भी 30 रुपये की थाली होती है, बहुत ही डिलीशियस है फूड यार। गाइस, पेट पूजा तो बहुत अच्छे से हो चुका है, अब आएगा घूमने का मजा। तो चलो अब चलते हैं सफर में आगे की तरफ। तो गाइस, इस जगह को तो आप जानते ही होंगे, देख रहे हो ना, गोलघर, सबसे पुराना घर। अच्छा, इसमें ना अंग्रेजों के टाइम पे अनाजें रखी जाती थी, बहुत पॉपुलर हुआ करता था उस टाइम पे। अभी तो यहाँ पे एंट्री वगैरह भी बंद कर दी गई है क्योंकि बहुत पुराना हो गया वो। अभी भी रिपेयरिंग वगैरह करके उसको, मतलब एज ए हेरिटेज उसको रखा हुआ है। तो गाइज, अब हम लोग एंटर करने वाले हैं, मतलब मेरी एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि यार इतनी स्मूथ रोड बनाई है ना, मज़े आ जाने वाले यार। देखो आप और इन्जॉय करो व्यू को। मतलब माहौल अभी यहाँ पे ऐसा बना हुआ है ना कि हर नॉर्मल बंदा भी यहाँ पर आकर राइडर बन गया है। मतलब इतनी स्मूथ जगह है ना, मज़े आ जा रहे हैं। मतलब स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट रोड चला जा रहा है, तो लोग यहाँ पर आकर के ना एक्साइटमेंट में ब्रेक पे जो है ना हाथ ही नहीं रखते। मतलब मज़े हैं भाई, मज़े ही मज़े। और शाम का नज़ारा यहाँ पर कैसा होता है, जैसा मैंने सुना है वैसा होता है कि नहीं होता है, अभी चल करके आगे आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, जिस जगह के इंतज़ार में हम लोग थे वो जगह बिल्कुल हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो बाइक की जो है ना रफ्तार, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। तो ये राइट साइड में जितना देख रहे हो ना, वहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल और फन स्टॉल, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें मिल जाने वाली है आपको, और सारा मज़ा जो है इसी के किनारे है। तो अभी चलेंगे हम लोग, अभी अपोजिट साइड में है, उस साइड पर चलेंगे और वो सारी चीज़ें चल कर आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप देखो रफ्तार और यहाँ पर का व्यू। तो गाइस, ये जो ब्रिज सामने दिखाई दे रहा है वो है दिघा रेल ब्रिज, जो कि बहुत लंबा और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अब हम लोग पहुँचे रॉन्डेबॉट पे। अब यहाँ रॉन्डेबॉट से हम लोग सीधा टर्न लेकर के जाएंगे लेफ्ट साइड में, जहाँ पे सारा नज़ारा आपको दिखाऊंगा मैं, ओके। तो गाइस, उससे पहले मैं बता दूँ, इस मरीन ड्राइव को ना क्वींस नेकलेस भी कहते हैं क्योंकि जब आप इसको रात में देखोगे ना तो इतनी सारी लाइट्स लगी है, वो दूर से आपको राउंड नेकलेस के जैसा दिखाई देगा, इसीलिए इसको हम लोग क्वींस नेकलेस भी कहते हैं। अच्छा, ये मरीन ड्राइव बनाया क्यों गया है, ये
पूरी गंगा नदी के साइड से जो है ना एक स्ट्रेट पाथवे निकाला गया है ताकि पटना को जो है ना ईस्ट से वेस्ट में जो है ईजिली कनेक्ट किया जा सके, ठीक है ना। यहाँ पे आपका कंजेशन जो है ट्रैफिक कंजेशन बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप अंदर सिटी के अंदर से जाते हो आप अगर ईस्ट टू वेस्ट तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है ट्रैफिक की वजह से। मरीन ड्राइव टोटल 21 किलोमीटर का जो है स्प्रेडेड है गंगा के किनारे और ये चार ब्रिज को कनेक्ट करता है, दि घरेल ब्रिज, कच्ची दरगाह, बिदुपुर ब्रिज है और महात्मा गांधी सेतु को भी कनेक्ट करता है। और इसके साथ ही साथ इसको पूरा बनाने के पीछे जो है 3831 करोड़ का लागत लगा था और फुटपाथ दोनों साइड से छोड़ा गया है 5-5 फीट का। बेस्ट टाइम अगर विजिट करने की बात की जाए तो अर्ली मॉर्निंग आ सकते हो या इवनिंग आ सकते हो, नज़ारा यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार दिखेगा। यहाँ पे बाइक से आना आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा क्योंकि पार्किंग का उतना।
देख चेक कर लेना, ठीक है, या तो फिर आना तो फिर रूह को मार के आना, ठीक है। तो मतलब अच्छे से मजा अगर करना है यार तो सही में पैसे लेकर के आना, ठीक है ना, और वो तेल वेल लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे मेला में घूमते हो ना वैसे ही घूम लेना, ठीक है ना, ज्यादा दर्द नहीं होने वाला, क्योंकि इन्वायरमेंट कुछ ऐसा है ना कि आपको दर्द का एहसास नहीं होगा, अगर होगा भी तो कहाँ होगा, जब आप बेड पर जाओगे तब होगा। तो यही है कुछ नज़ारा पटना मरीन ड्राइव का। तो गाइस कैसा लगा आपको ये सारा चीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये देख सकते हो मतलब रूफ टॉप आपने देखा होगा, होटल रेस्टोरेंट यहाँ पे जो है ना ये जो कार के ऊपर में लगा दिया है, मतलब वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं खाने की। और यहाँ पे देख सकते हो हर तरह की चीज़ें हैं, मतलब चट्टा मीठा जो भी चीज़ें चाहिए आपको मिल जाएगी। देखो ये रिमोट कंट्रोल कार, मैंने कहा था ना बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद आता है, मजे आ जाएंगे, आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये प्लेस ऐसी जगह है जहाँ पे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फैमिली और मतलब बच्चे सभी के लिए है, मतलब हर लोग यहाँ आकर के एंजॉय कर सकते हैं यार। तो बेटा है तो गाड़ी पे घुमा दो, अगर बेटी है तो उसे डॉल दिला दो, मजे आ जाएंगे। और गर्लफ्रेंड है या पत्नी है या घर वालों के लिए किसी के लिए कुछ चीज़ें लेके जाना चाहो तो यहाँ से उन्हें गिफ्ट दिला दो, तो वो भी खुश हो जाएंगे, आप भी मज़े कर लोगे। तो गाइज यहाँ पे ना घूमने का सबसे अच्छा टाइमिंग है मॉर्निंग का, या तो इवनिंग में सनसेट देख लो आकर के, और सनसेट के बाद का नज़ारा देख सकते हो कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो सनराइज़ भी देख सकते हो यहाँ से, सनसेट भी देख सकते हो, और ये नज़ारा देख सकते हो आप कैसा है। जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने सुना था, बिल्कुल वैसा ही है। और ये देख सकते हो यहाँ पे स्मोक पान है, बिस्कुट भी है, मतलब वो सारी चीज़ें जो आप दिल्ली मुंबई में जा करके एक्सपीरियंस करते थे अब यहाँ पे कर सकते हो। तो गाइज बस यही था नज़ारा यहाँ का, इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन थी सारी दे दी आपको। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो वो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और गाइस ये वो स्पॉट है जहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं आप सनसेट के टाइम पे, बहुत अच्छी पिक्चर आती है, वो आप जाके इंस्टाग्राम पे मेरे चेक कर सकते हो।